दुकानदारों को मास्क देकर लॉकडाउन के नियमों को दी गई सख्त हिदायत। कस्बा गोवर्धन में प्रशासन द्वारा ट्रायल के तौर पर बाजारों को खोलने की अनुमति प्रदान करने के बाद जहां बाजारों में काफी भीड़भाड़ देखी गई, कई दुकानदार और ग्राहक लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हुए नजर आए। बगैर मास्क लगाए लोग बाजारों में नजर आए। वहीं मीडिया में इन खबरों को आने के बाद व्यापार मंडल और प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए तहसील अध्यक्ष गणेश पहलवान, क्षेत्राधिकारी गोवर्धन जितेंद्र कुमार और थाना प्रभारी लोकेश सिंह भाटी के नेतृत्व में व्यापार मंडल कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों ने बाजारों में जाकर दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क वितरित किए। साथ ही सख्त चेतावनी भी दी कि लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें। बिना मास्क के कोई भी दुकानदार दुकान पर ना बैठे और ना ही बिना मास्क लगाए हुए लोगों के लिए सामान दे, जिससे कि लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का चलन बढ़ेगा और कोरोना के खिलाफ जंग में एक अच्छा संदेश जाएगा। क्षेत्राधिकारी गोवर्धन जितेंद्र कुमार ने दुकानदारों को मास्क देते हुए हिदायत दी कि आगे से बिना मास्क लगाए हुए पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं तमाम दुकानदारों ने व्यापार मंडल और प्रशासन की इस पहल का भी स्वागत किया और आगे से नियमों का कड़ाई से पालन करने का संकल्प लिया। व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष गणेश पहलवान ने बताया कि कोरोना के खिलाफ अभी लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी है और ऐसे में अगर हम लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करेंगे तो ये महामारी आगे चलकर और भी भयंकर रूप ले सकती है। देश की अर्थव्यवस्था और व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए तथा लोगों की दैनिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बाजारों को खुलवाया गया है, लेकिन साथ ही व्यापारी और ग्राहक दोनों ही सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करें। ऐसा संदेश जनता के बीच जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को समझ सके, इसके लिए आज हमने बाजार में दुकानदार और खरीदारी करने आए ग्राहकों के लिए मास्क बांटे हैं तथा महामारी के प्रति लोगों को सचेत करते हुए लॉकडाउन के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। अध्यक्ष जी, आज आपने गोवर्धन व्यापार मंडल और क्षेत्राधिकारी गोवर्धन को साथ में लेकर जो मास्क वितरित किए हैं बाजारों में, क्या उद्देश्य है उसका और क्या कार्यक्रम था? कोरोना महामारी को लेकर जो देश में आर्थिक संकट और व्यापारी भाइयों के सामने रोजगार की, जो सभी व्यापारी भाई दुकान नहीं खोल पा रहे थे, उनके आगे आर्थिक संकट जो मंडरा रहा था, उसकी को लेकर हमने अपने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी संदेश भेजा है और तहसील स्तर के अधिकारियों से हमने बात करके बाजार खोलने की अनुमति प्रदान की। उसी बात को लेकर मीडिया या सोशल आईडी के माध्यम से मालूम पड़ रहा था कि लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, उसी को लेकर संज्ञान में हम और सीओ गोवर्धन साहब, थाना अध्यक्ष लोकेश भाटी जी ने सभी व्यापारी ग्राहकों को जागरूक किया है कि वो मास्क लगाकर बैठें और जो भी ग्राहक सामान लेने आएं वो भी मास्क लगाकर ही आएं, जिससे हमारी भी दिनचर्या में कोई दिक्कत ना हो और व्यापारियों भाइयों को भी आगे कोई दिक्कत ना हो। आगे अगर कोई प्रशासन ऐसी कोई कार्रवाई करता है तो उसके लिए जो व्यापारी भाई कानून उल्लंघन करेगा वो दंडात्मक कार्रवाई जो करेंगे उसका स्वयं जिम्मेदार होगा।